कुंभ राशि 24 अक्टूबर तक शनि रहेंगे वक्री, उसके बाद चमक जाएगा आपका नसीब। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। 5 जून से लेकर 23 अक्टूबर तक कुंभ राशि में शनि देव वक्री रहेंगे। दोस्तों जैसे ही 23 अक्टूबर का दिन खत्म होगा, 24 अक्टूबर से जो कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में बहुत सारी खुशखबरियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। आपका पूरा लाइफ बदल तो हुआ आप अपने आंखों से देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हर एक बात को विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर इसी तरह राशिफल के रिलेटेड वीडियोज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए समय ना गंवाते हुए कुंभ राशि के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों एक दुर्घटना या फिर चोरी आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन ला सकती है। किसी भी घरेलू परेशानियों को हल करने के लिए बातचीत करेगा। ऐसे रिश्ते जो आपके समय और पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं उन्हें अलविदा करने का समय आ चुका है। आप अपना कुछ समय धन समीकरणों और वित्तीय मामलों में बिताएंगे। जब कोई कहता है कि वो यह नहीं कर सकता तो उसके दो मतलब होते हैं, मुझे पता नहीं कि यह कैसे होगा या मैं इसे नहीं करना चाहता। दोस्तों आप एक अलग ही जोश और उत्साह में दिखाई देंगे। आप अपने सभी काम धैर्य और संयम के साथ पूरा करने वाले हैं। कामकाज के प्रति आप पूरी तरह से ईमानदार रहेंगे। कार्यस्थल में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बड़े अधिकारी आपसे बेहद खुश रहेंगे। पारिवारिक माहौल अच्छा रहने वाला है। किसी शारीरिक बीमारी से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों आने वाले समय में आमदनी के कई अच्छे स्रोत आपको मिल सकते हैं। विष्णु जी की कृपा से कामकाज में की गई मेहनत का उचित परिणाम हासिल होगा। पारिवारिक परेशानियां भी दूर होगी। आपका कोई अधूरा काम पूरा होगा। भाग्य प्रबल रहने वाला है। व्यापार से जुड़े हुए लोगों को लाभदायक समझौते मिलेंगे। आप किसी लाभदायक यात्रा पर जा सकते हैं। प्रेम जीवन में चल रहा तनाव भी दूर होगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। इस राशि के लोग अपनी निजी जीवन का पूरा आनंद लेने वाले हैं। अपने शुभ चिंतकों या फिर प्रियजन को यह बताना ना भूलें कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। व्यापार में लाभ के लिए कोई समूह या फिर सोसाइटी फायदेमंद हो सकती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए शॉर्टकट की होशियारी भारी पड़ सकती है। तो चलिए बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। दोस्तों यदि आप कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो किसी समझदार व्यक्ति से बातचीत कर लें। वह आपको कुछ ऐसे पहलू समझा सकता है जिसकी समझ आपको नहीं है। यदि आपके मन में असुरक्षा का भाव है तो आपके प्लान किए हुए कार्यों में आपको सफलता मुश्किल ही मिलेगी। आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना होगा। किसी ऐसे काम में जिसमें आपको एक बार असफलता मिल चुकी है, दोबारा उसमें हाथ ना डालिएगा। अगर हाथ डालना ही है तो उसके बारे में स्टडी कीजिएगा। क्या उसमें और अच्छा किया जा सकता है उसके बारे में विचार करेगा, तभी जाकर उस कार्य में हाथ डालेगा, अन्यथा एक बार फिर निराशा हाथ लग सकती है। पारिवारिक वालों की बात सुनकर आपको क्रोध आ सकता है। अपने क्रोध को नियंत्रण में रखिएगा। आपको परिणाम की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ग्रहों के अनुसार सब कुछ सही होगा। सबसे बुरा है आपका कोशिश ही ना करना। अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखें, इससे आपको नया दृष्टिकोण तलाशने और कार्य करने में मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि कुंभ राशि 24 अक्टूबर के बाद आपकी किस्मत किस तरह से चमकेगी, विस्तार से जानेंगे। जैसे कि हमने बताया कि 23 अक्टूबर तक शनि आपके राशि में वक्री रहेंगे, तो जैसे ही यह वक्री खत्म होगी तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे कि आपके जीवन में आ रही सभी प्रॉब्लम परेशानियां खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में एक सुखद वाला समय शुरू हो जाएगा। ऐसे में आप एक कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता भी जरूर देखने को मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं आपका धनराशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों पिता या शिक्षक के लिए यह समय जो कि संकटपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपकी सहायता व देखभाल उन्हें राहत देगी।
अपने सहयोगियों और अधिकारियों से तारीफ मिलने की संभावना बन रही है। आपकी कड़ी मेहनत और अच्छे परिणाम आपके साथ काम करने वालों को भी प्रेरित करेंगे। आप दृढ़ता से आगे की ओर भी बढ़ रहे हैं। अपनी कंपनी में अपने नए विचारों के साथ आप सबको आकर्षित कर रहे हैं। नई नीतियाँ और रणनीतियाँ आपको अपनी अद्वितीय, सफल और उत्कृष्ट प्रतिष्ठा बनाने में मदद करेगी। दोस्तों, आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति करने के लिए एक समय में केवल एक ही कार्य करने की सलाह दी जाती है। जैसे अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाकर एक समय में दो दो कार्य करेंगे या फिर दो से ज़्यादा कार्य करेंगे, तो वैसे में आपको कार्य अगर आप पूरा भी करेंगे तो उसमें आपको वह क्वालिटी दिखाई नहीं देगी। जैसे कि आप एक समय में एक कार्य करते हैं, तो क्वालिटी के साथ अच्छा कार्य समय पर पूरा करने के लिए एक समय में एक ही कार्य करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आप जिस करियर के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में अपने दोस्तों की सलाह लेने में ज़रा भी ना हिचकिचाएं। वो अपने दिल से आपका हित चाहते हैं और आपको अच्छी सलाह देंगे। आप इस बात को लेकर अपने दोस्त से सलाह जरूर करेगा, इससे अंत में आपको ही लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका लव राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। इस समय अपने दिलबर को समझने की कोशिश करें, क्योंकि रिश्ता एक तरफ से नहीं निभाया जाता। जब रिश्ता आपके बीच है तो दोनों साइड जो कि रिश्ता मजबूत होगा तभी यह रिश्ता लंबे समय तक चलेगा, वरना आपके बीच में प्रॉब्लम्स परेशानियां आ सकती है जिससे कि आपका रिश्ता भी टूट सकता है। दोस्तों, परिवार का ध्यान रखना और साथ में भोजन करना आपके लिए बड़ी खुशी से कम नहीं है। अपनी मधुर आवाज़ से आप किसी खास को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आप एक शांत और सुखी दिन व्यतीत करेंगे। आपकी प्राथमिकता आपका परिवार और आपका जीवन साथी रहेगा। दोस्तों, रिश्ता केवल दिल से नहीं रूह से भी निभाया जाता है, इसलिए अगर आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी है तो उसे दूर कर लें, क्योंकि गलतफहमी का दीमक मोहब्बत के पेड़ को थोड़ी देर में ही तबाह कर देता है। अगर गलतफहमी है तो शांत कहीं जगह बैठेगा और उस गलतफहमियों को दूर करने का प्लान बनाएगा या फिर उस गलतफहमी को दूर करेगा। आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। दोस्तों, आप खुश हैं जिससे दूसरे लोग भी खुश रहेंगे। यह एक तोहफा है, इसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई में करेगा। आप यह अनुभव नहीं करते परंतु आप दूसरों के लिए बहुत महत्व रखेंगे। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशिफल रहने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं, धर्मग्रंथों से दी गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु लीजिए। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या फिर इनका उपयोग भी करते हैं तो इससे पहले अपने नज़दीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करें। आप चाहे तो ट्रेंडिंग राशिफल से भी संपर्क कर सकते हैं। आपके जीवन में आ रहे सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।